तो हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग। और भाई, ऑनपैसिव 360 फाइनली जो है काफी जबरदस्त रहा, और आप उसकी रिकॉर्डिंग भी जो है देख सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगी। और इसके अलावा जो है पहली बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ऑनपैसिव 360, क्योंकि बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे। और जो है ऑनपैसिव 360 बिल्कुल टाइम से शुरू हुआ इंडियन टाइम पे, जो है 3:30 बजे, और बराबर आधे घंटे भी वो चला, लेकिन ऐश मुफारे सर नहीं आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा उदासी छा गई, अरे बाप रे, ऐश मुफारे सर आए नहीं, और बिल्कुल हम सब वहां से आउट हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर पता चला कि बैक ऑफिस में अगेन फिर से जो है लिंक आई, मतलब ऑन पैसिव 360 पार्ट 2, तो उसके अंदर फिर ऐश मुफारे सर जुड़े। तो एक बढ़िया सी जो है अपडेट वो लेकर के आए, तो काफी लोगों ने शुरू में अटेंड किया था 3:30 बजे, फिर वहां से लोग आउट हुए, फिर सेकंड बार जब लिंक आई फिर कई लोग और वहां पर जाकर के वापस जुड़ गए, क्योंकि ऐश सर वहां पर कुछ अपडेट लेकर के आए थे। और लगभग इंडियन टाइम में 4:40 पे समथिंग जो है मिस्टर ऐश जो वहां पर जुड़े थे, काफी टाइम मीटिंग में रहे, काफी एआई के ऊपर भी डिस्कशन किया उन्होंने। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही मेन मेन अपडेट्स बता रहा हूँ, बाकी बैक ऑफिस में जल्दी से वो अपडेट आ जाएगी, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें हम देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अपडेट्स आई है, काफी अच्छी गुड न्यूज भी हम सभी के लिए, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले ऐश सर आए तो ईद मुबारक दी सभी को, क्योंकि खासकर अभी जो गल्फ कंट्री वगैरह में, तो आज ही गल्फ कंट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ सकता है उसके लिए सॉरी, जो पहले तो गल्फ कंट्रीज में काफी सारा जो है यहाँ पे जो ईद मनाई गई उनको बधाइयां दी गई, और साथ ही साथ जो ऐश सर ने और भी कंट्री के लिए जहां भी है सबको ईद मुबारक कही है, क्योंकि रमजान का एंड हो गया है और अब जो है ईद की शुरुआत हो गई थी। तो अभी जैसे बांग्लादेश और इंडिया के भी कुछ हिस्सों में जो है अभी ईद बाकी है, कल भी रहेगी, तो उसकी सबसे पहले तो ऐश सर ने मुबारकबाद दी। उसके बाद में जो है सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं जो मोहम्मद कमाल साहब हैं, तो मोहम्मद कमाल साहब की जो मदर हैं उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत जो है बहुत ज्यादा खराब है और हॉस्पिटलाइज हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। तो बिल्कुल सभी से उन्होंने कहा है कि बिल्कुल प्रेयर कीजिए उनके लिए, दुआ कीजिएगा, क्योंकि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत काफी खराब होने की वजह से जो है मोहम्मद कमाल साहब वहां पर हैं, तो जो उनकी मम्मी है उनकी तबीयत काफी खराब है। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि आप प्रेयर कीजिए। और इसके अलावा जो है उन्होंने बात की थी 18 अप्रैल को लेकर के भी, कि इसमें अभी 18 अप्रैल को तो अभी बहुत सारा जो है यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मोर जो काफी चीजें इसके अंदर चीजें आने वाली हैं, और इसमें जो है वो करंट को लेके, उसके अलावा मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ नीचे। और इसके बाद में अगर बात करते हैं तो 18 अप्रैल को जो है आप देखेंगे कि वो करंट में और भी कई एडिशनल फीचर जो रहेंगे 18 को, तो और भी चीजें उसमें होंगी, बट उसके पहले अभी आप जैसा देख रहे होंगे उन्होंने इस चीज का भी जिक्र किया है, और आपने भी कहीं अपडेट देखी होगी कि जिन लोगों ने वेबिनार वगैरह किए होंगे उन्होंने इस चीज को देखा होगा कि यहां पर जो है कुछ नए फीचर जो ऐड हुए हैं आपने देखे होंगे, जिसके अंदर कैमरे से रिलेटेड, कैमरा रेजोल्यूशन जिस टाइप से कंटिन्यू कहा जा रहा था, और वो चीज फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है जो बहुत ही बढ़िया एक फीचर है, जिसमें आप जो अपना प्रीव्यू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भैया आपके कैमरे की सेटिंग, उसके अंदर HD क्वालिटी वगैरह का प्रीव्यू लेके, और उसके अंदर AI अवतार का भी थोड़ा भी कमिंग सून बताने लग गया है। तो बिल्कुल बहुत शानदार वो एक नया फीचर एडिशनल हमारा वहां पे जो ऐड हुआ है, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अगर आप वहां पे होस्ट रहेंगे, कोस्ट रहेंगे, तो आपको ऑप्शन दिखेगा, और आप जो है मीटिंग जब क्रिएट करेंगे तो आप ये ऑप्शन देख सकते हैं, जो बहुत ही शानदार फीचर्स के साथ में आया है और बहुत ही बढ़िया वो दिख रहा है, ये फीचर ऐड हुआ है। और इसके अलावा और चीजें तो ऐड होती ही रहेंगी, और इसके अलावा जो है यहाँ पे एक और बढ़िया चीज हुई है कि आप देखेंगे कई बार अटेंडेंस वाली लिंक जो आपको मिलती है उसमें आप क्लिक करते हैं तो सभी के यहाँ पे डिटेल्स आती है, तो उसमें आप कईयों के ओमेल जो है वहां पे नजर आते थे वो दिखते, तो वो वहां से हटा दिया गया, तो जो है वो नहीं देख सकते अब आप देखेंगे जो अटेंडेंस वाली लिंक, क्योंकि आप कुल मिला के एक सेफ हो जाता है यहाँ पे, हमारा ओमेल जो भी है वो पब्लिकली नहीं जाता, तो एक बढ़िया ये भी चीज हुई है। तो काफी फीचर्स जो है अभी इसमें और भी जो है ऐड होने जा रहे हैं फ्यूचर में, आप देखेंगे। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जो कि इसके अंदर इवेंट आईडी को लेकर की कुछ चीजें मिस्टर ऐश ने बताई हैं, और बैक ऑफिस में जब और अपडेट्स आएंगी तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और एक सबसे अच्छी गुड न्यूज हम सभी के लिए है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, काफी क्वेश्चन थे एक्सटेंशन को लेकर के, तो एक बड़ी सबसे अच्छी बड़ी गुड न्यूज यहां पर यह है कि हमारा जो ऐश सर ने कहा है कि एक्सटेंशन डेफिनेटली जो है अभी आप देख रहे हैं कि अभी कंटिन्यू है, अभी आजकल में जैसी वो होता है वहां पे, तो ये एक्सटेंशन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे कि ये लास्ट एक्सटेंशन हो, और जो ये एक और एक्सटेंशन के बाद में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज ये मिलेगी कि आपको यहाँ पर जो पैड वाले, मतलब कहने का यह है कि फिर हम बाद में इसका पैड वर्जन यूज करेंगे ओ कनेक्ट का, तो ये गुड न्यूज हम सभी के लिए है। तो एक्सटेंशन ये हमारा लास्ट एक्सटेंशन हो सकता है
पॉसिबिलिटीज हैं सर को, आप सुनिएगा, इनकी रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपडेट्स भी आप जाकर के सुनिए। और ये बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है हम सभी के लिए कि भैया अभी नेक्स्ट एक्सटेंशन में भी 10-15 दिन जो भी होता है 10 दिन के समथिंग होगा, उसके बाद में हमें यहाँ पे जो है पेड वर्जन जो है उसका करने का मौका मिलेगा, और नए प्राइस के साथ में मिस्टर एश बता रहे थे नए प्राइस के साथ में जो है ओ कनेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस जो अपडेट के लिए दोस्तों बिल्कुल ये लाइक तो बनता है सर को, लाइक बनता है इस वीडियो पे, लाइक बनता है हमारा ये बिल्कुल जो अपडेट्स आई है बैक ऑफिस में जो आएंगी उसके लिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा एक ऑप्शन है। और कमीशंस को लेकर भी मिस्टर एश ने यहाँ पे जिक्र किया है, काफी अच्छी चीजें यहाँ पे कमीशंस को लेकर कहा है। मे बी यहाँ पे जो उन्होंने एक चीज क्लियर की है कि किसी भी चीज तरह पब्लिकली इसको बताया नहीं जा सकता है जो कमीशंस वगैरह है, तो कुछ मैं क्या ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज है कि यहाँ पे कमीशंस का जिक्र किया गया। अगर जिक्र किया गया है तो 100% यहाँ पे तय है कि बहुत अच्छी है, गुड न्यूज है हम सभी के लिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर मिस्टर एश ने और भी कई चीजों का जिक्र किया है, बाकी मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। मैं भी काफी लंबी ये मीटिंग्स चली थी जिसके अंदर एआई से रिलेटेड काफी सारी बातें कही गई थी। मिस्टर एश यहाँ एक चीज और बता रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन पैसिव कोई मनी गेम नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पैसे का वो नहीं है। देखिए पैसे का है डेफिनेटली, यहाँ पे वैल्यू है और सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ये कोई मनी गेम नहीं है बल्कि एक प्योर बिजनेस है, और इसको बिजनेस की तरह आपको सभी को समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्टिवेट रहना पड़ेगा, और यहाँ पर सारी चीजों को एक बार स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो बिल्कुल बार बार ही मिस्टर एश ने इस बात को कहा कि कोई मनी गेम नहीं, और यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह कि कमीशन का जो मिस्टर एश ने किया है तो मे बी बहुत जल्दी हमें कमीशंस के रिगार्डिंग भी बहुत चीजें आपके ओईएस में आपको जो है देखने को मिलने वाली है, क्योंकि एक्सटेंशन का जिक्र जिस तरह से मिस्टर एश ने किया है तो यहां पे पॉसिबिलिटीज, अगेन मैं फिर से कहूं यहां पे मिस्टर एश ने यहां पे कहा है कि पॉसिबिलिटीज है कि आपका लास्ट जो एक्सटेंशन हो सकता है ना, तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन भी लंबा चले या जो इसमें चीजें कुछ और हो, आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल उन्होंने चांसेस यहां पे फुली चांसेस है यहां पे कि 100% यहां पे तो उन्होंने चांसेस कहा है, पॉसिबिलिटीज कहा है कि यहां पे जो एक्सटेंशन लास्ट होंगे। तो हमारी ये बहुत बड़ी एक ये अपडेट है दोस्तों, और इसके अलावा जो है इसमें अभी काफी चीजें और मिस्टर एश ने बताई है, जैसे जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काफी सारा जिक्र किया गया कि यहां पे जिस तरह से लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई कंपनियां मिसयूज भी करती हैं, लेकिन यहां पे ऑन पैसिव जो है बिल्कुल ये रियल रहेगा, और यहां पे सारी चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी होंगी। और इस सिस्टम में जो आ जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम में जो शामिल हो जाएगा, इसके अंदर जो इन कर जाएगा, चाहे वो ऑनपैसिव के जो सिस्टम में आएगा वो यूजर हो, क्रिएटर हो, कोई भी हो, वो यहाँ पर जो कुछ है यहाँ पर रेवेन्यू भी बनाने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो और भी कई बातें उन्होंने मिस्टर एश ने बताई है, जिसको आप बैक ऑफिस में जब अपडेट आएंगी तो उसे जो है जाकर के देखिएगा। खासकर अगर यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों तो ओ कनेक्ट को लेकर के, तो ओ कनेक्ट में अभी जैसा मैं भी पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यू आपसे कह रहा था कि लगातार आप चेक करते रहिए कि किस तरह से इसमें नए फीचर्स हमारे ऐड हो रहे हैं, और डे बाय डे हमारा ओ कनेक्ट और ज्यादा टॉप पे जाता जा रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि गुड न्यूज अभी बहुत सारी बाकी है, और मिस्टर एश बहुत सारी गुड न्यूज लेकर के आने वाले हैं, तो लगातार ऑन पैसिव के साथ में बने रहिए। बैक ऑफिस में जब भी अपडेट आए तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन की अगर बात करते हैं तो मिस्टर एश भी इसके बारे में बता रहे थे कि जो ट्रांसलेशन हम करते हैं गूगल से कुछ अलग ही टाइप, मतलब कुछ भी रहता है, थोड़ा उसको समझने में डिफिकल्टीज आती है, तो भी मैं आपको बोलूंगा कि ध्यान से सब चीजों को पढ़ के देखिएगा। बहुत ही ग्रेट अपडेट है हमारी सभी के लिए। तो कमीशंस का भी जिक्र है इसके अंदर, सॉरी आपका पेंडिंग विड्रॉल की भी बात उन्होंने बताई है, पेंडिंग विड्रॉल को लेकर भी काफी अच्छी अपडेट्स है, मे बी जल्दी वो क्रिप्टो के थ्रू या आपको जैसे भी है वो आपको मे बी जल्दी होंगे, वो भी मिलेंगे। तो जस्ट वेट एंड वॉच, देखते रहिए, और जो भी बैक ऑफिस में अपडेट आती है उसको एंजॉय कीजिए। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।